जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है, वो मालदीव्स का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए। जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है, वो मालदीव्स का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। जो यहाँ से इस मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके बारे में कहा वो गलत है। चीन के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी हों वो ठीक है, लेकिन हमारे मतलब इस मुल्क के वज़ीर आज़म या यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इंसल्ट करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए, चाहे वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। ये हमारे हमसाई मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे रहें।